सैकड़ों वर्षों से लोगों के दर्द का निवारण करने वाले धनोकर गांव के मां भुवनेश्वरी मंदिर के प्रेम सागर तालाब का अब शायद दर्द दूर होगा, क्योंकि सांसद द्वारा इस तालाब के सुंदरीकरण का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी को भेजा है। कुरारा विकास खंड के जलोकर गांव में बने मां भुवनेश्वरी मंदिर, जहां की मान्यता है कि इस मंदिर में अगर पास के ही प्रेम सागर तालाब की मिट्टी घुटनों में लगाने से घुटनों के दर्द हमेशा के लिए समाप्त होता है, परंतु देखरेख के अभाव में वह ग्रामीणों द्वारा अपने शौचालयों के पाइप इस तालाब में डालने के कारण इसका पानी दिनों दिन दूषित होता जा रहा है, जिसके चलते तालाब के पानी से बदबू उड़ने लगी है। अब हमीरपुर मोहब्बत सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा प्रयास के बाद अब इस तालाब के सुंदरीकरण का प्रस्ताव बुंदेलखंड विकास निधि के अंतर्गत जिला कार्य योजना में सम्मिलित करवाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी के वैस को लिखा गया है। साथ ही गांव में एक मिनी स्टेडियम व एक यात्री प्रतीक्षालय के भी निर्माण के लिए कहा गया है। पता चले कि गांव के समाज सेवी अखिलेश सिंह गौर ने बताया कि अब जल्द ही सांसद के प्रयास से लोगों को तालाब से उठने वाली बदबू से छुटकारा मिलेगा, साथ ही भविष्य में तालाब का चकचमाता नजर आएगा। स्थित है इस स्थान की महिमा मुख्य रूप से मिट्टी की है, जिसे रज कहते हैं। यहाँ की रज या मिट्टी लगाने से गठिया बात और बात रोग में विशेषता पूर्ण आराम मिलता है। बहुत दूर दूर से लोग, अन्य प्रांतों से लोग यहाँ पर आते हैं और इस बात रोग और गठिया बात के रोग को इस मिट्टी के लेपन से तत्काल सही हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि बगल में लगा हुआ प्रेम सागर तालाब है, जो यहाँ के जमींदार थे रामनाथ सेठ, उनके द्वारा निर्माण कराया गया था। और इस तालाब की जो मिट्टी है वही मिट्टी इसमें माता रानी के दरबार में डाली जाती है। उसी मिट्टी को लगाने से गठिया रोग बात रोग में तत्काल आराम मिलता है। और मैं बता दूं कि यहाँ हमीरपुर जनपद के राजा हुआ करते थे हमीरदेव, वह उन्हीं का शासनकाल में झलोकर सल्तनत गांव उन्हीं की सल्तनत में आती थी। तो उनके लड़ने के लिए गौर वंश के लड़ाके आए हुए थे, वो लड़ाके यहाँ पर आके रुके थे। जब रुके थे झाड़ी थी यहाँ पर, बड़ी सी झाड़ी थी, वहाँ उनकी गाय आ जाया करती, सारा दूध यहीं पर उड़ेल दिया करती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारी गाय कहाँ चली जाती है, ये दूध इसका कहाँ चला जाता, उन्होंने देखा कि यहाँ पर झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी देवी माँ की प्रतिमा रखी थी। उसी देवी माँ की प्रतिमा को उठाकर चबूतरा बनवा कर यहीं रख दिया गया। तब से माता रानी का यह चबूतरा स्थापित है।